जीनगर समाज के छात्रावास के शिलान्यास समारोह में कोटा दक्षिण के विधायक श्री संदीप शर्मा जी, इस समाज के अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी खींची साहब, बसंत कचावा जी, गिरदारी जी, मोहन जी और समाज के सभी बंधुगण। जीनगढ़ समाज बहुत मेहनतकश, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, देश सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित समाज है। इस समाज ने आजादी के पहले की लड़ाई के अंदर अपना योगदान दिया, आजादी के बाद देश के नवनिर्माण में योगदान दिया। एक ऐसा समाज जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहा, जो युद्ध के अंदर युद्ध में सहभागी भी रहा, युद्ध का सहयोगी भी रहा, और इसीलिए आज जीनगढ़ समाज ने अपने कार्यों से, अपनी उपयोगिता से समाज में एक विशेष स्थान बनाया। मुझे बहुत खुशी है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, लेकिन आपके मन में संकल्प है, अच्छे विचार हैं, भारत की संस्कृति संस्कारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आप छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं ताकि समाज का, देश और प्रदेश का कहीं कहीं बच्चा इस शेषी नगरी में आए तो उसको रहने की छत मिल जाए। ये एक ऐसा पुण्य का काम है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभाव में रहने वंचित लोग जो दूर दराज के गांव में रहते हैं, लेकिन टैलेंट है, कुशाग्र बुद्धि है, योग्यता है, लेकिन धन का अभाव है, उस धन के अभाव को पूरा करने के लिए उनको छात्रावास में जगह मिलेगी जहाँ अच्छे संस्कार मिलेंगे, विचार मिलेंगे और अच्छी शिक्षा, संस्कारी शिक्षा प्राप्त कर वो देश और प्रदेश में और दुनिया में भारत का नेतृत्व करेंगे। और इसीलिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ कि छात्रावास का निर्माण हो, जल्दी से जल्दी निर्माण हो, उस सब का निर्माण हम सब मिलकर मिलेंगे करेंगे, सबके साथ मिलकर करेंगे, सबके सहयोग से करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है। हम सबको अपना परिवार मानते हैं और इस परिवार में जब सबका योगदान होता है, सबका सहयोग होता है, सबका साथ होता है तो काम भी पूरा होता है। मैं भी इस समाज के साथ उसी तरीके से हूँ कि समाज आगे बढ़े, इस छात्रावास का निर्माण जल्दी हो ताकि देश और प्रदेश के नौजवान यहाँ आकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, कोई डॉक्टर बन सके, कोई इंजीनियर बन सके, कोई आईएएस बन सके और समाज का नाम भी करे और देश को आगे बढ़ाने में योगदान भी दे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।